Hello everyone, and once again welcome to UmarTazkeer YouTube channel. Myself UmarTazkeer. Guys, Google Analytics 4 के इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं about real time reports. Guys, real time reports क्या होती हैं, क्या-क्या हमें options उसके अंदर दिखते हैं, क्या-क्या हमें चीजें, क्या-क्या reports के form में, क्या-क्या insights हमें वहाँ से मिलती हैं, क्यों हम उनको use करते हैं. Guys, हमें ये बताएं कि real time reports सबसे ज़्यादा use होने वाला जो option है, वो है Google Analytics के अंदर. तो Google Analytics 4 की जो real time reports हैं, ये किस तरीके से जो हमारा यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स था उससे किस तरीके से अलग है, क्या नई चीजें, इन सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली रियल टाइम रिपोर्ट्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है. सो गाइज, यहां पर मैं आ चुका हूं सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और रियल टाइम रिपोर्ट्स को यहां डैशबोर्ड से एक्सेस करने के दो तरीके एक्चुअली. या तो गाइज, जो ये हमें यहां पर रिपोर्ट्स का स्नैपशॉट दिखता है, यहां पर मैं व्यू रियल टाइम के ऊपर क्लिक कर दूं तो मैं रियल टाइम रिपोर्ट्स के ऊपर चला जाऊंगा, या मुझे सेपरेट यहां पर सेक्शन मिलता है रियल टाइम रिपोर्ट्स का, मैं रियल टाइम रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं सीधे आ जाऊंगा. गाइज, बहुत सारी चीजें हैं यहां पर. तो गाइस, जो यूआई है वो यूनिवर्सल एनालिटिक्स से काफी डिसेंट सा यूआई है. यूनिवर्सल एनालिटिक्स का यूआई अगर हम लोग देखते हैं तो काफी ओल्ड फैशन यूआई दिखता था, और यहां पर जो है हमें बहुत ही डिसेंट सा यूआई दिख रहा है. चलिए देखते हैं कौन-कौन से ऑप्शंस हमें यहां पर देखने को मिलते हैं. तो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो आपको रियल टाइम की रिपोर्ट मिल रही है, लास्ट 30 मिनट्स की आपको यहां पर रिपोर्ट्स दिखाई देती है. तो जैसे कि मैं लॉग इन हूं, जो गूगल मर्चेंडाइज का स्टोर है, डेमो अकाउंट जो हमें मिला हुआ है उसके अंदर हम लोग लॉग इन है यहां पर. तो गाइस, लास्ट 30 मिनट्स में इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर 79 यूजर्स आए हुए हैं, और हमारे पास उस 30 मिनट का पर मिनट का भी ब्रेकडाउन है, राइट. तो गाइस, यहां पर वो 30 मिनट्स के पूरे आपको ग्राफ दिख रहे हैं, फाइन. तो यहां पर देखो, 0 मिनट अगो, मतलब अभी का जो करंट वाला मिनट चल रहा है, अभी का जो 60 सेकंड का टाइम है, इसमें 11 यूजर्स आए, उससे पहले वाले मिनट में 12 यूजर्स आए थे. तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि एक्चुअली रियल टाइम में, एग्जैक्ट रियल टाइम में, मिनट लेवल पर भी कितने यूजर्स जो हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहे हैं. तो गाइस, जैसे कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आपने तुरंत एड्स फायर किए, आपके एड्स चल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप लोग रियल टाइम रिपोर्ट्स को बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि आपके एड्स रन हो रहे होते हैं, आपके फेसबुक या गूगल एड्स रन हो रहे होते हैं, ट्रैफिक कॉन्टिन्यूसली आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा होता है, या कभी कभी आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट करते हैं जहां पर अपनी वेबसाइट वगैरह का या वेब पेज का या वेबसाइट के किसी भी पेज का आप लिंक दे देते हैं, तो वहां से भी ट्रैफिक जनरेट होने लगता है. तो वो एक्चुअली ट्रैफिक जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, जो यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, किस तरीके से एंगेज कर रहा है, क्या कोई मोनेटाइजेशन कर रहा है, तो उन सारी चीजों की रिपोर्ट हम लोग रियल टाइम में देखना चाहते हैं. तो इन वजहों से हम लोग जो है रियल टाइम रिपोर्ट्स को यूज करते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं आपको, कि रियल टाइम रिपोर्ट्स में आपको सारी डेटा नहीं मिलेगी. जैसे आप अगर कन्वर्जन वगैरह को बहुत डिटेल में स्टडी करना चाहते हो, कि कोई यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, उसकी कन्वर्जन की पूरी आपको इनसाइट चाहिए, सारी रिपोर्ट चाहिए, तो वो आपको रियल टाइम में नहीं मिलती. क्योंकि इस बात को समझने की कोशिश करो कि गूगल एनालिटिक्स क्या करता है. जैसे ही कोई यूजर आया, ठीक है, उसकी जो भी एक्टिविटी है उसको कैप्चर कर रहा है, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स, और आपको रिपोर्ट्स बनाकर यहां पर दे रहा है. बट रियल टाइम में उसकी एक्टिविटीज को कैप्चर तो कर लेता है, बट बहुत डिटेल्ड वो रिपोर्ट नहीं बना पाता. रियल टाइम में कैसे बनेगी उतनी डिटेल्ड रिपोर्ट, राइट. तो उसके लिए फिर थोड़ा सा गूगल एनालिटिक्स को टाइम चाहिए होता है, जिसके लिए हमारे पास ये बाकी की जो आप देख सकते हो रिपोर्ट्स वाला सेक्शन जो हमें दिख रहा है, ये रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है. तो गाइस, कभी भी रियल टाइम में अगर आप ये सोचते हो कि एग्जैक्टली आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी रियल टाइम में, तो ऐसा नहीं होता, बट बहुत सारी चीजें पता चल जाती. जैसे कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि मिनट वाइज जो यूजर हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, वो कौन है, ठीक है, किन डिवाइसेस से लास्ट 30 मिनट्स में आए हुए यूजर, वो आप देख सकते हो. डेस्कटॉप से ज्यादा लोग आए हुए हैं, मोबाइल से 32%, लगभग 33% जो यूजर हैं मोबाइल से आए हुए हैं. यही इसी टाइप का मैप जो है हमें वो यूनिवर्सल एनालिटिक्स में भी दिखता था, बट ये काफी इंटरेक्टिव है. अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे हम बात करें कि इन लास्ट 30 मिनट्स ये ओवरऑल यूजर्स हैं हमारे पास, और लास्ट 30 मिनट्स में सिडनी से 2 यूजर्स आए, राइट. तो अगर हम इस चीज का कंपैरिजन बनाना चाहें कि ओवरऑल जो हमारी वेबसाइट के ऊपर यूजर्स आए हैं और जो सिडनी से यूजर्स आए, इनका क्या कंपैरिजन है, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा, राइट. और आप यहां पर देख सकते हो, आप कंपैरिजन हमारे सामने बन गया, ठीक है. दिस इज ओवरऑल यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट्स जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हैं ओवरऑल, ठीक है, 30 मिनट्स में सारे ही लोकेशन से, सारे ही डिवाइसेस से, वो हमें यहां पर दिख रहा है. बट यहां पर क्या दिख रहा है कि लास्ट 30 मिनट्स के अंदर जो यूजर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर सिडनी से आए हैं, वो यूजर्स किन डिवाइसेस से आए हैं, किस सोर्स और किस मीडियम से आए, वो सारी हमें इंफॉर्मेशन यहां पर दिख रही है. तो एक सेगमेंटेशन बन गया, एक कंपेरिजन बन गया, तो काफी इंट्रैक्टिव है. जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, हमारे सामने सेगमेंटेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है. तो वो भी आप कर सकते हैं. नीचे आते हैं हम लोग. तो गाइस, यहां तक हम लोगों ने दो तीन चीजों को एक्सप्लोर किया. अगर हम लोग
नीचे आए यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि ये जो रियल टाइम यूजर्स आए हुए इनका सोर्स क्या है, ठीक है, ऑडियंस के बेसिस पे यूजर्स किस तरीके से एंगेज कर रहे हैं वो आप देख सकते हो, राइट, किन पेजेस के ऊपर वो हमारे जा रहे हैं उनका पेज टाइटल हमें यहाँ दिख रहा है, अगर आपकी बात कर रहे हैं हम लोग तो किस स्क्रीन के ऊपर है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, फाइन। सो दिस इज अनदर रिपोर्ट की अगर आप ये देखना चाहते हो कि रियल टाइम में कौन से यूजर्स किन पेजेस के ऊपर है तो दैट वी कैन एक्चुअली स्टडी फ्रॉम हेयर। सो गाइज उसके बाद जो यूजर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आए वो कौन कौन से अलग अलग इवेंट्स कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे इवेंट्स जो है वो डिफाइंड हमारे ऑलरेडी डिफाइंड इवेंट्स हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर डेमो अकाउंट के अंदर। तो हम अगर देखें तो व्यू प्रमोशन वाला जो इवेंट है वो पहले नंबर पर है, मतलब ये वाला जो इवेंट है वो सबसे ज्यादा बार हुआ है, अगर आप देखो तो यहां पर 909 टाइम्स जो है ये वाला इवेंट हुआ है इन लास्ट 30 मिनट्स, तो ये जितनी भी इनसाइट्स आप देख रहे हो लास्ट 30 मिनट की, राइट, कन्वर्जन कौन से हुए वो आप देख सकते हो, ठीक है, कि लास्ट 30 मिनट्स के अंदर जो यूजर्स आए उन्होंने कौन से कन्वर्जन किए। सो गाइस ये हमें कुछ विजेट्स कुछ इनसाइट्स यहां पर मिल जाती है जो रियल टाइम है, तो अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर रियल टाइम ट्रैफिक है तो उसकी एनालिसिस के लिए हम लोग इस टाइप से रियल टाइम रिपोर्ट्स को देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा और जबरदस्त ऑप्शन जो है वो गूगल एनालिटिक्स 4 ने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज बेसिकली व्यू यूजर स्नैपशॉट। अब व्यू यूजर स्नैपशॉट क्या है, जैसे इतने सारे 76 यूजर अभी जो हमारी वेबसाइट के ऊपर लास्ट 30 मिनट्स में आए हुए हैं, तो जैसे ही मैं व्यू यूजर स्नैपशॉट करता हूं इसका मतलब गूगल एनालिटिक्स इन्हीं यूजर्स में से एक रैंडम यूजर की एक्टिविटी या उसकी पूरी इनसाइट की उसने हमारी वेबसाइट पे क्या किया वो पिक करके हमें दे देता है, फाइन। तो अगर मैं इसके ऊपर जाऊं व्यू यूजर स्नैपशॉट के ऊपर, जैसे ही मैं व्यू यूजर स्नैपशॉट के ऊपर क्लिक करूंगा आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर यूजर उसकी लोकेशन क्या है, किस डिवाइस को वो यूज कर रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और उसने लास्ट 30 मिनट्स में क्या इवेंट्स किए, एक उसने इवेंट किया हुआ है और कब वो जो है उसने ये पर्टिकुलर इवेंट किया हुआ था यहां पर आप देख सकते हो व्यू आइटम कब किया था और कितनी देर तक वो जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर रहा। देन हमारे पास यहां पर एग्जिट स्नैपशॉट का ऑप्शन है, मैं स्नैपशॉट से एग्जिट कर जाता हूं, आप फिर से चेक करना चाहे तो व्यू यूजर स्नैपशॉट आप करेंगे फिर से आपको एक रैंडम सा जो यूजर है उसकी पूरी आपको यहां पर एक्टिविटी दिखाई देगी, तो आप देख सकते हो यहां पर लास्ट 30 मिनट्स में उसने 16 जनरल इवेंट्स किए बट जो बहुत ही यूजफुल इवेंट्स है उनमें से उसने कोई भी इवेंट जो नहीं किया है। द यूजर इज फ्रॉम ओप्पो डिवाइस एंड ही इज फ्रॉम और ही और शी इज फ्रॉम कराची पाकिस्तान और ये पूरी उसकी जो एक्टिविटी है वो यहां पर है, राइट, रेगुलरली अगर वो कोई एक्टिविटी करता जा रहा है तो वो भी हमें यहां पर रियल टाइम में जो है वो एक्टिविटी दिखती जा रही, कितना वो टाइम स्पेंड कर रहा है वो हमें दिखता जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो 60 सेकंड्स के फ्रेम के बाद हमें पता चल जाता है 545 के बाद 546 हुआ एंड देन द टाइम इज 547, तो इसने जो इवेंट्स बहुत सारे जो इवेंट्स किए थे वो आप देख सकते हो यहां पर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में इसने बहुत सारे इवेंट्स किए हुए थे और उसके बाद यहां के बाद इसने कोई भी इवेंट नहीं किया हुआ, राइट। तो गाइस इस टाइप की रियल टाइम इंफॉर्मेशन की अगर हम एनालिसिस करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर एक्चुअली रियल टाइम में क्या हो रहा है ये सब हम स्टडी कर सकते हैं। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो बात करेंगे कुछ और डिटेल्ड रिपोर्ट्स के बारे में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।